गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। हमें इसमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल हमें दिए हुए हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग वन अपॉन फोर और गुणनफल माइनस वन है। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। इसमें ऊपर में दे रखा है वन अपॉन फोर और माइनस वन। वन अपॉन फोर है शून्यकों का योग और माइनस वन है गुणनफल। सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। हमने कल एक सूत्र करा था, शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमें एक व्यापक समीकरण, क्योंकि द्विघात है, व्यापक समीकरण क्या होगी द्विघात की? द्विघात की ये होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात है, एक्स का स्क्वायर है, घात इसमें दो है। शून्यक माना शून्यक ये हो गए अल्फा और बीटा। अब ये शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स का गुणांक है बी, बी अपॉन ए। शून्यकों का योग में दिया है वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब ये हो गई समीकरण एक। इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं। माइनस वन अपॉन फोर इस माइनस को उधर ले गए, बी अपॉन ए, ये हो गई समीकरण एक। इसके बाद दूसरा फार्मूला था हमारा, शून्य को का गुणनफल इक्वल्स टू अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल है माइनस वन, अचर पद है सी अपॉन ए। अब ये हमारा परिमेय संख्या है, इधर सिर्फ नंबर है, इसको हम चेंज करेंगे। माइनस वन अपॉन वन इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पर देखें हम ए फोर है, कंपैरिजन करें ए फोर है और यहाँ पे देखें तो ए वन है। हम इन दोनों को पहले एक जैसा बनाएंगे, ऊपर नीचे हम चार से गुणा कर देंगे। अब सी अपॉन ए हो गया हमारा माइनस फोर अपॉन फोर सी अपॉन ए, ये हो गई समीकरण दो। समीकरण एक और दो से इन दोनों की तुलना करेंगे तो ए फोर हो गया दोनों में, बी बी हो गया माइनस वन और सी हो गया माइनस फोर, सी हो गया माइनस फोर ए फोर। अब हमारी समीकरण अभीष्ट समीकरण हमारी होगी, अभीष्ट समीकरण ये हमारी थी ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें ए बी और सी के मान रख देंगे, फोर एक्स का स्क्वायर
प्लस माइनस वन एक्स प्लस माइनस फोर, फोर एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, ये हमारा आ गया आंसर। एक पार्ट हम इसका और करते हैं, थर्ड पार्ट हमें दे रखा है जीरो एंड माइनस फाइव, मतलब है कि शून्यकों का योग, ये पहला वाला नंबर शून्यकों का योग है और दूसरा नंबर है शून्यकों का गुणनफल माइनस फाइव। शून्यक हमने मान लिए, समीकरण मानी, व्यापक समीकरण हमने मान ली इसमें द्विघात की, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, शून्यक हो गए अल्फा और बीटा। अब हम लगाते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग जीरो के इक्वल, मतलब अल्फा प्लस बीटा ये दोनों शून्य के हैं, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर जीरो। अब हमें दिया था कि शून्यकों का योग जो है, ये सूत्र है हमारा, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, शून्य का योग जीरो है, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन माइनस फाइव नहीं है, अंडर रूट फाइव है, अंडर रूट फाइव, एक्स का स्क्वायर का गुणांक, शून्य को का योग जीरो, जीरो अपॉन वन इज इक्वल टू, एक्स का गुणांक है बी माइनस है बी अपॉन ए, एक्स का स्क्वायर का गुणांक है ए, ये समीकरण एक बन गया। अब हम करेंगे इसका अगला पार्ट, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद अपॉन एक्स का स्क्वायर का गुणांक। इसमें शून्य का गुणनफल अंडर रूट फाइव, अचर पद सी अपॉन ए, या हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट फाइव अपॉन वन इज इक्वल टू सी अपॉन ए, समीकरण दो। अब समीकरण एक और दो से, एक और दो से, दोनों समीकरणों में ए वन के इक्वल आ रहा नीचे, तो ए इज इक्वल टू वन, बी हम देखें तो जीरो के इक्वल और सी अंडर रूट, ये सी अंडर रूट फाइव के इक्वल। अभीष्ट समीकरण हो गई हमारी, व्यापक समीकरण में हमने मान रखना है वन इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस अंडर रूट फाइव, एक्स का स्क्वायर प्लस जीरो को एक्स से गुणा करोगे जीरो आएगा प्लस रूट फाइव, तो ये हो जाएगी एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट फाइव, ये आंसर आ गया। अब इसका आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट, और एग्जांपल साथ में करोगे आप, एग्जांपल थ्री, एग्जांपल थ्री ये भी होमवर्क में आपका, तो ये आप होमवर्क करोगे साथ में। इसके बाद अब मैं न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2 शुरू करवा रही हूँ आपको, एक्सरसाइज 2.2 हो गई, एक्सरसाइज 2.3, अब करते हैं एक्सरसाइज 2.3।
एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पी एक्स को जी एक्स से भाग देना, देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। पी एक्स हमें दिया हुआ है एक्स की क्यूब एक्स पावर फोर, एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, और जी एक्स हमें दिया है एक्स का स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। अब जी एक्स में सबसे बड़ी पावर है, फिर वन दे रखा है, फिर माइनस एक्स दे रखा है। हम इसको ठीक करके लिखेंगे। भाग शुरू करते हैं हम। पी एक्स को जी एक्स से भाग करना है। पी एक्स हमारा ये है, तो एक्स की घात फोर माइनस थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, इसको भाग करना है हमने। और जी एक्स है एक्स का स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, इसको हम सही करके लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ साइड में एक लाइन खींच लेते हैं। इससे हमें देखते हैं कि हम किस नंबर से हमें भाग करना है। इसका हम सबसे पहला देखते हैं एक्स की पावर फोर, और उसका हम जी एक्स का हम सबसे पहला देखते हैं एक्स का स्क्वायर। तो एक्स की पावर फोर को एक्स के स्क्वायर से भाग करके देखते हैं, एक्स की पावर फोर को एक्स के स्क्वायर से, तो ये क्या आएगा एक्स का स्क्वायर। तो मतलब हमें यहाँ पे एक्स का स्क्वायर लिखना है। एक्स के स्क्वायर को हम इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा एक्स की घात फोर, एक्स का स्क्वायर को माइनस एक्स से गुणा करेंगे आ जाएगा माइनस एक्स की तीन, जो कि हमें इसमें नहीं दिया हुआ है, तो माइनस एक्स की तीन को हम अलग लिख लेंगे। फिर है एक्स का स्क्वायर को वन से गुणा करेंगे ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे लाइन खींचते हैं एक लाइन छोड़ के, क्योंकि हमें यहाँ पे इसके साइन बदलने पड़ते हैं। ये माइनस, क्योंकि प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का था ये माइनस हो गया, ये माइनस का था ये प्लस हो गया, ये दोनों कट गए, ये आया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस फोर एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, और ये है एक्स के क्यूब, ये प्लस का साइन लगेगा इसके साथ में। अब यहाँ देखो सबसे बड़ी घात है एक्स की तीन, इधर सबसे बड़ी घात है एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे करके देखते हैं एक्स की तीन एक्स का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा भाग करके एक्स, तो यहाँ ये एक्स जो है हम यहाँ पे लिख देंगे। एक्स को हम एक्स के स्क्वायर से गुणा करेंगे एक्स के क्यूब आएगा, वो हम यहाँ लिख देंगे। एक्स को माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, और एक्स को वन से गुणा करेंगे एक्स आ जाएगा। एक लाइन छोड़ के हम लाइन खींचेंगे, ये साइन माइनस का है, साइन बदलेंगे, जो नीचे की लाइन होती है उनके साइन बदले जाते हैं। माइनस का तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, और इस प्लस का हो जाएगा माइनस। अब ये माइनस चार एक्स का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर, माइनस चार में से प्लस एक घटेगा तो माइनस तीन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, चार एक्स में से एक एक्स माइनस हो जाएगा तो प्लस थ्री एक्स आ जाएगा प्लस फाइव, और एक्स की तीन में से एक्स की तीन माइनस होकर ये कट गया। अब सबसे बड़ी घात है यहाँ पे माइनस एक्स की थ्री एक्स का स्क्वायर, इसको हम एक्स के स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये दोनों कट के माइनस थ्री आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए माइनस थ्री बच गया, माइनस थ्री को हम यहाँ लिख लेंगे। यहाँ आ गया माइनस थ्री एक्स का स्क्वायर, माइनस थ्री और माइनस एक्स गुणा होकर प्लस थ्री एक्स आ जाएगा,
माइनस थ्री प्लस वन माइनस थ्री, प्लस माइनस, तो ये हो गया माइनस का साइन चेंज होके प्लस बन जाएगा, ये प्लस चेंज होके माइनस और माइनस चेंज होके प्लस, माइनस थ्री एक्स का स्क्वायर और प्लस थ्री एक्स का स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए आपस में, प्लस थ्री एक्स और माइनस थ्री एक्स दोनों कैंसिल हो गए, पाँच और तीन आ गया आठ। हमें बताना क्या था, भागफल। तो अब आंसर आ गया हमारा, भागफल हो गया हमारा ये वाला भागफल होता है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री और शेषफल, शेषफल है हमारा जो नीचे बचता है आठ, और ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाकी क्वेश्चंस आप होमवर्क में करोगे, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट, और जो कुछ आपकी प्रॉब्लम होगी आप मेरे से पूछ लोगे। एक और क्वेश्चन हम करते हैं आज, इसमें है क्वेश्चन नंबर टू करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर टू में ऐसा ही है, ये भी क्वेश्चन नंबर टू का हम एक पार्ट लेते हैं कोई। इसमें पहले पद से दूसरे पद को भाग करके देखना है और जांच कीजिए क्या बहुपद द्वितीय प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है, तो इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। पहला बहुपद, इसमें हमें पहला बहुपद दिया है, पहला बहुपद है एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ये पहला बहुपद है। दूसरा बहुपद है इसमें, दूसरा बहुपद है थ्री एक्स की पावर चार प्लस पाँच एक्स के क्यूब माइनस सेवन एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, ये दूसरा बहुपद है। क्वेश्चन में है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं। पहले बहुपद से जिससे भाग करते हैं उसको हम बाहर लिखते हैं, और दूसरे बहुपद को जिसको भाग करते हैं उसको हम भाग के अंदर लिखते हैं, सेवन एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, ये करते हैं। अब वही यहाँ साइड में छोटी सी हम लाइन खींच लेंगे, ये ऐसे करो इस तरफ खींच लेते हैं हम लाइन इधर, अब इसमें अब देखो यहाँ थ्री एक्स की पावर चार है, थ्री एक्स की पावर चार अपॉन एक्स का स्क्वायर, थ्री एक्स की चार को अगर हम एक्स के स्क्वायर से भाग करेंगे तो यह आता है थ्री एक्स का स्क्वायर, यहाँ हम लिख देंगे थ्री एक्स का स्क्वायर, थ्री एक्स के स्क्वायर को एक्स के स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आता है थ्री एक्स की पावर चार, थ्री एक्स के स्क्वायर को थ्री एक्स से गुणा करेंगे तो नाइन एक्स की क्यूब, और थ्री एक्स के स्क्वायर को वन से करेंगे तो थ्री एक्स का स्क्वायर, एक लाइन छोड़ के आप लाइन खींचोगे, फिर ये साइन बदलोगे, माइनस ये प्लस का हो जाएगा माइनस और इस प्लस का हो जाएगा माइनस, ये दोनों कट गया आपस में, माइनस नौ और पाँच, पाँच में से माइनस नौ करेंगे तो आएगा माइनस चार एक्स की तीन, माइनस सात और माइनस तीन जुड़ के माइनस दस एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, अब यहाँ पे आ गया माइनस चार एक्स की तीन अपॉन, यहाँ इसका पहला वाला है एक्स का स्क्वायर, इससे भाग करेंगे, इधर सबसे बड़ा माइनस चार एक्स की क्यूब है और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा माइनस चार एक्स, यहाँ पे लिख देंगे माइनस चार एक्स, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस चार एक्स की क्यूब माइनस चार एक्स को प्लस तीन, तो माइनस बारह एक्स का स्क्वायर, माइनस चार को एक से करेंगे तो माइनस चार एक्स, यहाँ पे फिर हम इसके साइन बदलेंगे, यहाँ प्लस का साइन यहाँ भी प्लस का साइन, ये दोनों कट गए आपस में,
-10 प्लस 12, 12 नंबर बड़ा है प्लस का है तो साइन प्लस का, और बड़े नंबर 12 में से 10 माइनस 2x का स्क्वायर, यहाँ प्लस का 2 है, ये प्लस का 4 हो गया, 2 और 4 हो गए 6, और ये प्लस 2। अब है यहाँ 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर, x के स्क्वायर से ये कट गया बचा 2 प्लस 2, तो ये आ गया 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 को एक से करेंगे प्लस 2। यहाँ पे हमने 2 को x के स्क्वायर से करा 2x का स्क्वायर, 2 को 3x से करा 6x, और 2 को 1 से करा 2। ये साइन माइनस का, ये साइन माइनस और ये साइन माइनस, तीनों कट गए आपस में और शून्य कुछ है। अब इसमें लिखेंगे, हमें बताना है भागफल, भागफल बताना है कि नहीं बताना, क्या बहुपद प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। हाँ, हमें ये नहीं बताना है इसमें, हमें ये बताना है कि पहला पद दूसरे पद का गुणनखंड है क्या नहीं है। यदि शेषफल 0 आ जाए, यहाँ शेषफल यदि नहीं लिखोगे, यहाँ लिखोगे क्योंकि, यहाँ पे ऐसा साइन बनाओगे क्योंकि शेषफल 0, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो इसका मतलब पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है। शेषफल 0 आ जाए तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है। तो इसमें क्या लिखो, शेषफल 0 आ गया, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। यही हमसे पूछा गया था, गुणनखंड है कि नहीं है, भागफल भी नहीं पूछा और कुछ नहीं। तो इसका आप होमवर्क में करोगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट, और जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम होगी आप पूछ लोगे। और अब ओके, थैंक यू।